शिमला संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ मिलकर आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर सांसद वीरेंद्र कश्यप रणनीति बनाएंगे। लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए जनता के बीच जाने से पहले भाजयुमो पदाधिकारियों को चार्ज करने का प्रयास भी किया गया और उन्हें मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सोलन में आयोजित इस बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के करीब 50 पदाधिकारियों ने भाग लिया और अपने विचार भी सांसद वीरेंद्र कश्यप के समक्ष रखे। इस मौके पर शिमला संसदीय क्षेत्र के संगठन मंत्री पुरुषोत्तम गुलेरिया भी शामिल हुए। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि मोदी सरकार ने लगभग 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के कारण केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हिमाचल की जनता को नहीं मिल पाया और 9 माह तक वे केंद्र से राष्ट्रीय उच्च मार्गों की घोषणा होने के बाद भी एक सड़क तक की DPR नहीं बना पाए। लेकिन अब प्रदेश में भाजपा की सरकार आने से रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी और बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था करने के लिए नए आयाम खोजे जा रहे हैं। पिछले 3.5 सालों में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार यहाँ थी और दिल्ली से जिस तरह का पैसा जो है हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रदेश के लिए दिया था उसको उन्होंने लगाने का जो है प्रयास नहीं किया, यहाँ के 70 लाख लोगों को जो उसका लाभ नहीं पहुंचाया। आज मुझे खुशी है कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो प्रदेश की सरकार बनी है वो सभी योजनाओं को लेकर जो है वो पैसा जो आ रहा है उसको हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लगे। जैसे अभी हमारे 69 नेशनल हाईवेज हैं, वीरभद्र की सरकार ने पिछले 1.5 साल हमारा खराब कर दिया और उन 1.5 सालों में जो है एक भी DPR नहीं बनी, अब DPR भी बन रही है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी योजना हमने लाई है उड़ान के दृष्टि से, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिले और यहाँ की इकोनॉमी में भी, प्रदेश की इकोनॉमी में भी उसका लाभ मिले।